वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग करेंगे AS7, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पे ही अप्लाई होता है, सिंस कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड होता है वो एक लार्जर ड्यूरेशन का होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, अदर सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में 3-4 साल भी लग जाते हैं। तो उसे अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट तो कब पता चलता है, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। लेकिन वो एनुअली अपने पीएल में प्रॉफिट को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा, ये हमें AS7 बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, वन इज कॉन्ट्रैक्टी एंड द अदर इज कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है और कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के लिए वर्क करता है। दिस AS7 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉन्ट्रैक्टी, ये इस कॉन्ट्रैक्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। AS7 डज नॉट अप्लाई। AS7 अप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। AS7 अप्लाइज। कॉन्ट्रैक्टर अपनी एनुअल प्रॉफिट किस तरीके से पीएल में रिकॉग्नाइज करेगा ये बताएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक लार्जर ड्यूरेशन का होता है। एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टर को उसने कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट कमाया ये तब पता चलता है जब उसने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया है। और हो सकता है जो इसने कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है ये काम 2.5 साल में 3 साल में पूरा हो, तो इसे अपनी एग्जैक्ट प्रॉफिट कब पता चलेगी, जब इसने पूरा काम कर दिया है तभी तो इसे अपने एक्चुअल खर्चे पता चलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर अब एनुअली उसमें से प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करेगा अपने पीएल में, ये हमें बताने वाला है AS7। तो AS7 हमें क्या बताएगा, एनुअल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर इन पीएल। Now let us start reading this AS. Open your book. Construction contracts देख रहे हैं। This AS is applicable on contractors only. ये contractors की profit recognition कैसे होनी चाहिए PL में ये बताता है ये AS. Meaning of construction contract. Construction contract का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, एग्जाम्पल ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, पाइपलाइन, रोड, शिप और टनल। मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जितने भी सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं इनके रिलेशन में जो काम नेगोशिएट किया जाता है उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड आर्किटेक्ट। मान लीजिए हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में 10 लाख रुपए का लिया है और हमने ये भी कहा है कि हम डिजाइनिंग भी आपकी कर देते हैं, मतलब आर्किटेक्ट सर्विसेज भी दे देते हैं और उसके रिस्पेक्ट में 1 लाख रुपए लेंगे। मतलब हम अपने क्लाइंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं, पहले तो उसे बिल्डिंग की डिजाइन बना के दे रहे हैं, आर्किटेक्ट सर्विस उसे दे रहे हैं उसके लिए 1 लाख रुपए ले रहे हैं और अगेन 10 लाख रुपए उसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए ले रहे हैं। हमने टोटल पेमेंट की है लिए 11 लाख रुपए की। ये 11 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू कहलाएगी, मतलब ये 11 लाख रुपए पूरा पूरा क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आप कुछ सर्विसेज भी देते हो विच आर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन तो वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आ जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान देना होगा जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज होती हैं आप स्टैंड अलोन अगर उन्हीं सर्विसेज को दे रहे हो तो वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आता है। मतलब अगर हम एक्सक्लूसिवली आर्किटेक्ट सर्विस देंगे तो क्या ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के साथ साथ
आर्किटेक्ट सर्विस भी देंगे, तो दोनों मिला के क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन also includes services relating to construction or destruction but it does not include service contract but it does not include service contract relating to construction or destruction stand alone कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, इवन डिस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं। मतलब मेरी बिल्डिंग है, हमें उसे गिरवानी है क्योंकि नई बिल्डिंग बनवानी है। अगर हमने सिर्फ बिल्डिंग गिराने का भी काम दिया है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही। कंस्ट्रक्शन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन इट ऑल्सो इंक्लूड्स, यहां इंक्लूड्स लिखा था, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सर्विसेज रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विसेज भी इंक्लूडेड हैं, बट इट डज नॉट इंक्लूड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन स्टैंड अलोन। मतलब कि अगर आप कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो, अलग से सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो, मतलब कि आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो जैसे कि आर्किटेक्ट सर्विसेज वगैरह, तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगी अगर वो स्टैंड अलोन है। लेकिन अगर आप आर्किटेक्ट सर्विस अलॉन्ग विथ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो, मतलब आप कंस्ट्रक्शन भी करोगे बिल्डिंग का और डिजाइनिंग भी करके देते हो, तो पूरा मिला के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लिख लीजिए एग्जांपल, स्टैंड अलोन आर्किटेक्ट सर्विस इज नॉट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। Get back to the definition. Construction contract is a contract specifically negotiated for construction of an asset. Example: bridge, building, dam, pipeline, road, support tunnel. Construction contracts include contract for the rendering of services which are directly related to the construction of the asset. Example: contract for services of project manager and architect and contract for destruction or restoration of asset and restoration of environment following the demolition of asset. आप destruction contract लेते हो, restoration of asset, restoration of environment या demolition of asset, ये सब कुछ construction contract में ही आता है। Types of construction contract, contract कितने तरीके के होते हैं? Contract basically दो तरीके के होते हैं। Types of contract एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट
without escalation clause. With escalation clause. और दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी एक सर्टेन प्राइस पे नेगोशिएट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं उसी समय कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी एक प्राइस पे नेगोशिएट कर लेते हैं और वो प्राइस फिक्स हो जाती है. मतलब फॉर एनी ऑफ द चेंजेस उनसे कोई मतलब नहीं है, वो प्राइसेस फिक्स्ड हैं और कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को वो पेमेंट करेगा. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टी ये कहता है कॉन्ट्रैक्टर को कि आप जितने भी खर्चे लगाओगे उन सभी खर्चों की हम आपको रिइंबर्समेंट दे देंगे और प्लस प्लस का मतलब है उसके साथ कुछ एडिशन देंगे, आपका प्रॉफिट देंगे. और ये प्रॉफिट देने के दो तरीके होते हैं, ये प्लस प्रॉफिट देने के दो तरीके होते हैं. इसमें प्रॉफिट इधर अ सर्टेन परसेंटेज ऑन कॉस्ट दे दिया जाता है या फिर एक लमसम फी एस प्रॉफिट दे दी जाती है. फिर से समझ लेते हैं ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या है. फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर एक सर्टेन रेवेन्यू पे नेगोशिएट कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया है 50 लाख रुपए का, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख रुपए देगा. कॉन्ट्रैक्टर किस बात का 50 लाख रुपए ले रहा है, उसमें मटेरियल कितना लगा रहा है, कितना लेबर लगा रहा है, कितना अपने चार्जेस पे इंक्लूड किया हुआ है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है. एक सर्टेन प्राइस पे कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफिकेशन दे देता है कि हमें ये काम चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर अपनी प्राइस कोट कर देता है कि इतना काम करने का हम ये पैसा लेंगे. उसमें किस बात का कितना पैसा ले रहा है ये स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर जितना भी खर्चा कर रहा होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को बताता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उसे पूरे खर्चे की रिइंबर्समेंट करता है और साथ ही साथ और क्या देता है उसे, एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट का दे देता है कॉस्ट पे. मतलब वो सीधे सीधे डिसाइड कर देता है कि जितना भी आप खर्चा लगाओगे उसका 20% हम क्या करेंगे आपको प्रॉफिट के रूप में दे देंगे. तो खर्चा लगा है मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो 20% प्रॉफिट यानी कि 2 लाख रुपए प्रॉफिट दे दिया जाएगा. या फिर क्या होता है, कहता है खर्चा आप जितना भी लगाओगे कॉन्ट्रैक्टर साहब उतना खर्चा लगा लेना और हम उसके साथ आपको क्या करेंगे 5 लाख रुपए की एस प्रॉफिट देंगे, एक लमसम फी दे देंगे. तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दिया जाता है. और ये प्रॉफिट क्या होता है, ये प्रॉफिट दो तरीके का हो सकता है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट होता है कभी कभी और या कभी कभी एक लमसम फी होती है. नो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एस्केलेशन क्लॉज और विथ एस्केलेशन क्लॉज का क्या मतलब है. पहले एस्केलेशन क्लॉज को समझ लेते हैं. एस्केलेशन क्लॉज क्या चीज है, उसके भी पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लॉज किसे कहते हैं. क्लॉज का मतलब होता है जितने मुद्दे एग्रीमेंट में लिखे गए हैं. क्लॉजेस का मतलब होता है मुद्दे. एक एग्रीमेंट जब बनाया जाता है तो उसमें बड़े सारे मुद्दे होते हैं, बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं. जैसे कि पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या मुद्दे होते हैं कि पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे और इस रेशियो में, ये एक मुद्दा हो जाता है. दूसरा मुद्दा किनको किनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, किस रेट पे दिया जाएगा, किनकी सैलरीज बनेगी पार्टनरशिप फर्म में और कितने रेट से बनेगी, किनको ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा. ये सब क्या है, पार्टनरशिप डीड के अलग अलग मुद्दे हैं. जितने सारे मुद्दे होते हैं उतने सारे क्लॉजेस होते हैं. जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमने 5 मुद्दों को लिखा है, पार्टनर्स एग्रीमेंट साइन करते समय 5 मुद्दों को लिखते हैं स्टैम्प पेपर पे और साइन करते हैं, तो हम कहते हैं इस एग्रीमेंट में 5 क्लॉजेस हैं. जितने भी मुद्दों पे डीसीए एग्री किया जाता है उसे क्लॉजेस बोले जाते हैं. एस्केलेशन क्लॉज का मतलब यह है कि जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता होगा, कॉन्ट्रैक्टर ये करेगा, कॉन्ट्रैक्टर इतना इतना पेमेंट करेगा, इस समय पे करेगा, ये सारी बातें म्यूचुअली एग्री की जाती है. अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट में एक और पैराग्राफ इंसर्ट कर दिया जाए एस्केलेशन क्लॉज का, तो हम कहेंगे ये एक एग्रीमेंट है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो कि विथ एस्केलेशन क्लॉज है. और एस्केलेशन क्लॉज में लिखा क्या होता है, एस्केलेशन क्लॉज में ये लिखा होता है कि अगर महंगाई आ जाएगी,
अगर महंगाई आ जाएगी तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से रेवेन्यू भी थोड़ी सी अधिक चार्ज करेगा। और ये महंगाई किसके टर्म्स में, महंगाई इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड लेबर जो यूज होने वाला है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में। तो एस्केलेशन क्लॉज इस तरीके से लिखा जाता है कि इफ द प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड लेबर इंक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, तो उस लिमिट के बियॉन्ड जितना भी मटेरियल और लेबर की प्राइसेस एक्सीड करेंगी उसका एक सर्टेन परसेंटेज से कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू को बढ़ा दिया जाएगा। ये एस्केलेशन क्लॉज कैसे लिखा होता है, इफ द प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड रेट्स ऑफ वेजेस इंक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज्ड बाय अ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ इंक्रीज बियॉन्ड दैट लिमिट। जनरली कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज कब बनाए जाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर को ये लगता है कि हो सकता है कि जब तक हम कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे उस समय मटेरियल और लेबर की कीमतों में बहुत उछाल आ जाए। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर को जनरली डर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है विथ एस्केलेशन क्लॉज। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ने एस्केलेशन क्लॉज करवाया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑटोमेटिकली डी एस्केलेशन क्लॉज वर्क करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट में ये बात लिखवाएगा कि मटेरियल और लेबर की कीमतें एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा बढ़ जाने से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ा दी जाएगी, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब ये भी होता है कि अगर मटेरियल और लेबर की कीमतें एक सर्टेन लिमिट से गिर जाएंगी, कौन सी लिमिट, वही लिमिट जो अभी कॉन्ट्रैक्टर ने कही है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि 20% से ज्यादा मटेरियल और लेबर की कीमतें बढ़ जाएंगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब होता है कि अगर 20% से मटेरियल और लेबर की कीमतें गिर जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी कॉन्ट्रैक्टर को गिरानी पड़ेगी। तो जब भी एस्केलेशन क्लॉज लिखा जाता है तो ऑटोमेटिकली डी एस्केलेशन क्लॉज वर्क करता है, लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट में मटेरियल और लेबर की कीमतें गिरती तो है नहीं, ज्यादातर केसेस में क्या होती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ये एस्केलेशन क्लॉज कॉन्ट्रैक्टर के लिए सेफगार्ड होता है अगेंस्ट महंगाई। ये एक सेफगार्ड है टू कॉन्ट्रैक्टर अगेंस्ट महंगाई कि अगर महंगाई आ जाएगी, रेट बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी मटेरियल और लेबर की, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा सेफगार्ड मिल जाएगा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। लेकिन ये सेफगार्ड कितना मिल रहा है जरा ये भी देख लीजिए। मान लीजिए मटेरियल की कीमत ओरिजिनली 100 रुपए थी, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया गया बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी उस समय मटेरियल की प्राइस थी 100 रुपए, मटेरियल प्राइस थी 100 रुपए, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था कि अगर मटेरियल और लेबर की कीमतें 5% के बियॉन्ड बढ़ जाएंगी तो जितना 5% के बियॉन्ड बढ़ेंगी उसके 40% से कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू को बढ़ा दिया जाएगा। एस्केलेशन क्लॉज क्या कह रहा था, इफ द प्राइस इंक्रीजेस बियॉन्ड 5% तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शैल बी, इफ द प्राइस का मतलब है मटेरियल प्राइस, इफ द मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस बियॉन्ड 5% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शैल इंक्रीज बाई 40% ऑफ राइज बियॉन्ड 5%। एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था, ये एस्केलेशन क्लॉज डाला हुआ था कि इफ द मटेरियल प्राइस इंक्रीजेस बाई बियॉन्ड 5% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शैल इंक्रीज बाई 40% ऑफ राइज बियॉन्ड 5%। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 100 रुपए का मटेरियल 104 रुपए का हो जाएगा तो एस्केलेशन क्लॉज वर्क नहीं करेगा,
क्योंकि 5% के बियॉन्ड अगर बढ़ेगा तभी एस्केलेशन क्लॉज वर्क करेगा, अदरवाइज अभी इसको महंगाई नहीं गई जाएगी। 105 रुपए हो जाता है तो क्या एस्केलेशन क्लॉज वर्क करेगा? नहीं, एस्केलेशन क्लॉज अभी भी वर्क नहीं करेगा। प्राइस कितनी एक्सीड करनी चाहिए? 5% के बियॉन्ड बढ़ेगा तब एस्केलेशन क्लॉज वर्क करेगा, अभी भी नहीं वर्क करेगा। अगर मान लो प्राइस हो जाती है 115 रुपए, अब एस्केलेशन क्लॉज वर्क करेगा? एस्केलेशन क्लॉज वर्क करेगा, लेकिन कितने रुपए के लिए? क्या 15 रुपए की महंगाई यहां पे कही जाएगी? नहीं, एस्केलेशन क्लॉज वर्क करेगा ओनली फॉर ₹10। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 100 रुपए से ये कितना हो गया? 105 तक, जहां पे एस्केलेशन क्लॉज वर्क नहीं करेगा। एस्केलेशन क्लॉज वर्क नहीं करेगा, 105 से लेके 115 तक एस्केलेशन क्लॉज वर्क करेगा। तो 10 रुपए की महंगाई, लेकिन जितनी महंगाई बढ़ रही है 5% के बियॉन्ड, क्या उस पूरे पूरे का आपको एस्केलेशन क्लॉज का इफेक्ट मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्टर को? नहीं। सेफगार्ड कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ कितना मिलने वाला है? 40% ऑफ द राइज इन प्राइस बियॉन्ड 5%। तो 10 रुपए का 40%, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितने से बढ़ा दी जाएगी? 4 रुपए से। क्लियर है आपको बात? तो अगर मटेरियल 100 रुपए का 115 रुपए हो जाता है, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उस समय मटेरियल 100 रुपए का था, लेकिन जिस समय कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया गया उस समय मटेरियल की कीमत हो गई थी 115 रुपए। 15 रुपए का खर्चा कॉन्ट्रैक्टरी ने अधिक लगाया, कॉन्ट्रैक्टर उसे कितनी एडिशनल रिइंबर्समेंट कर देगा? 4 रुपए की एडिशनल रिइंबर्समेंट कर देगा। क्लियर है ये बात सबको? फिर से आइएगा एस्केलेशन क्लॉज पे और एक बात पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने लिखा हुआ है इफ द प्राइजेस ऑफ मटेरियल, और क्या लिखा है? रेट्स ऑफ वेजेस। कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा जो बढ़ता है वो दो फैक्टर की वजह से बढ़ सकता है। वन इज ईदर प्राइस एंड द अदर इज यूनिट्स। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में प्लान किया गया था, स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, जो प्लान किया गया था कि 100 बैग्स ऑफ सीमेंट लगेगा, 100 बैग सीमेंट लगेगा एट द रेट ऑफ 200। तो खर्चा कितना ओरिजिनली प्लान किया गया था? 20,000 रुपया। सीमेंट का खर्चा कितना प्लान किया गया था? कि 20,000 रुपए लगेगा। एक्चुअल में क्या क्या हो सकता है? खर्चे हम बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से खर्चे बढ़ सकते हैं? खर्चा बढ़ने के पीछे एक कारण तो यह हो सकता है कि 100 बैग की जगह आपसे कितना लग गया? 120 बोरी सीमेंट की लग गई, 120 बैग सीमेंट, रेट वही 200 रुपए का, और ये कितना हो गया? 24,000 रुपए। एक्चुअल में पहला ऑप्शन ये दिया हमने, दूसरा ये हो सकता है कि आपसे 100 बैग सीमेंट ही लगी है लेकिन 240 रुपए के रेट से लगी है, तो भी कितना हो गया? 24,000 रुपए। खर्चा बढ़ने के पीछे ये दो कारण हो सकता है, आपसे अधिक सीमेंट की बोरी कंज्यूम हो सकती है, यूनिट अधिक लग सकती है, या फिर रेट अधिक लग सकता है। जो सेफगार्ड देता है एस्केलेशन क्लॉज, वो सेफगार्ड किसके लिए देता है? महंगाई का सेफगार्ड है एस्केलेशन क्लॉज, महंगाई का सेफगार्ड है, आपकी एडिशनल कंजप्शन का सेफगार्ड नहीं है। अगर हमने बिल्डिंग बनाने में 100 सीमेंट की बोरी कंज्यूम करने का प्लान बनाया था और 120 बोरी सीमेंट कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वर्कर ने ठीक से काम नहीं किया है, उन्होंने मटेरियल को डिस्ट्रॉय किया है, खराब किया है, इसलिए उन्होंने 100 बोरी में काम नहीं कर पाया है। और भरपाई कॉन्ट्रैक्टी इसके लिए नहीं करता, ये तो क्या डिनोट करता है? 100 बोरी का काम अगर 120 बोरी सीमेंट में हो रहा है तो ये क्या डिनोट करता है? ये इनएफिशिएंसी डिनोट करता है कॉन्ट्रैक्टर की, ये डिनोट करता है इनएफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को जो काम 100 बोरी सीमेंट में करना चाहिए था वो काम कितने बोरी में किया जा रहा है? 120 बोरी में। एस्केलेशन क्लॉज इसके लिए वर्क नहीं करता। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि 20,000 से 24,000 का खर्चा लग गया, 4,000 ज्यादा लग गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर या कुछ रिम्बर्स करेगा, इसे कोई एडिशनल रिम्बर्समेंट नहीं की जाएगी। लेकिन 100 बोरी सीमेंट का 240 रुपए रेट हो जाता है, तो अब क्या ये फैक्टर कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल में है? क्या कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो इसे कंट्रोल कर सकता है? ये 24,000 से रिड्यूस कर सकता है खर्चा? नहीं कर सकता। अरे मार्केट में 100 बोरी सीमेंट लगनी थी ये तो मालूम ही है हमको, और 240 रुपए का रेट कोई कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल में थोड़ी ना है, ये तो मार्केट फैक्टर्स ने 240 रुपए बना दिया है, कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल में ये बिल्कुल नहीं है, तो ये इनएफिशिएंसी कॉन्ट्रैक्टर की डिनोट नहीं करता है, और यहां पे एस्केलेशन क्लॉज वर्क करता है। ठीक है ये बात?
तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, वन इज कॉन्ट्रैक्ट विथ फिक्स्ड प्राइसेस, लेकिन हाँ इस फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में भी कभी कभी एस्केलेशन क्लॉज होता है और कभी एस्केलेशन क्लॉज नहीं होता। अगर एस्केलेशन क्लॉज नहीं है तो ऐसे में कितनी भी महंगाई आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्टर को वही पेमेंट करेगा जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया था। लेकिन अगर एस्केलेशन क्लॉज है, और एस्केलेशन क्लॉज क्यों लगता है ये आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ खर्चे बढ़ जाने से कॉन्ट्रैक्टर के नहीं लगता, मटेरियल और लेबर की कीमतें बढ़नी चाहिए, महंगाई आनी चाहिए, तब एस्केलेशन क्लॉज वर्क करेगा। और एस्केलेशन क्लॉज में क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो जितना लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है उसका एक प्रोपोर्शनेट पार्टी कौन बियर करता है, कॉन्ट्रैक्ट ही बियर करता है। और जहां एस्केलेशन क्लॉज लगता है वहां डी एस्केलेशन क्लॉज यानी उसी का रिवर्सल केस ऑटोमेटिकली वर्क करता है। डी एस्केलेशन क्लॉज भी इसी बात से समझ लीजिए, हमने कहा कि अगर 100 रुपए का मटेरियल इंक्रीज करेगा 5% से बियॉन्ड तो 40% से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे 100 रुपए का मटेरियल 100 रुपए का मटेरियल 80 रुपए का हो जाता, 100 रुपए का मटेरियल 80 रुपए का हो जाता तो 95 रुपए तक कोई सेफ का 95 रुपए तक क्या कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू को गिराता कॉन्ट्रैक्टर, नहीं गिराता। 5% तक कोई अंतर नहीं लाया जाता। अब इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, 15 रुपए का, 15 रुपए का 40% कितना होता है 6 रुपया, कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू को 6 रुपए से गिरा दिया जाता। ठीक है ये बात, जिस तरीके से हमने कहा 5% के बियॉन्ड जितना है उसका 40% से कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, तो बिल्कुल उसी का उल्टा होता है डी एस्केलेशन क्लॉज। 5% तक एस्केलेशन क्लॉज वर्क नहीं कर रहा है डी एस्केलेशन क्लॉज, 5% के नीचे कितना गिरा है, हमने कहा कि मटेरियल 100 रुपए वाला 80 का हो गया तो 95 तक तो डी एस्केलेशन क्लॉज वर्क करेगा नहीं, 95 से कितना नीचे हो गया 15 रुपए हो गया, 15 रुपए का 40% यानी कि 6 रुपए से कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू को गिरा दिया जाएगा। ठीक है ये बात, बेसिकली AS7 आइडेंटिफाइज टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू अ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और अ फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विच इन सम केसेज इज सब्जेक्ट टू कॉस्ट एस्केलेशन क्लॉजेस, जो कि कभी कभी एस्केलेशन क्लॉज से भी अफेक्टेड होता है। तो मतलब कुल मिला के दो तरीके के फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वन विदाउट एस्केलेशन क्लॉज और कभी कभी विथ एस्केलेशन क्लॉज। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉन्ट्रैक्टर इज रिम्बर्स्ड फॉर अलायबल और अदरवाइज डिफाइंड कॉस्ट, उसे कॉस्ट की रिम्बर्समेंट की जाती है प्लस परसेंटेज ऑफ दीज कॉस्ट और अ फिक्स्ड फी, और उसे कॉस्ट पे एक सर्टेन परसेंटेज फी का दिया जाता है। यहां पे क्यों लिखा हुआ है रिम्बर्स्ड फॉर अलायबल और अदरवाइज डिफाइंड कॉस्ट, देखिए कॉस्ट डिफाइन कर दिया जाता है पहले से ही, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं कौन कौन से खर्चे क्लेम करना शुरू कर दे, कहे कि हम तो अपनी हेलीकॉप्टर से रोज कंस्ट्रक्शन साइट पे आते थे तो रोज का मेरा तो क्या होता था एविएशन फ्यूल लगता था 25,000 रुपए का, हम 100 बार आए थे तो 25,000 × 100 इतना तो हमको ये पेमेंट कर दीजिए। तो पहले ही कॉन्ट्रैक्टर डिफाइन कर लेता है, देखो कौन कौन सा खर्चा हम आपको पे करेंगे, वर्कर का खर्चा पे करेंगे, आपके साइट विजिट करने का इतने ही खर्चा पे करेंगे, जो आप कैसे आओगे नियरली 20 बार आओगे 25 बार आओगे अपनी कार से आओगे, कि मतलब इस ये ना हो कि अदरवाइज पे तो हम खर्चा पता नहीं क्या क्या चार्ज कर लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर के खर्चे को भी पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर डिफाइन कर देता है कि इन इन खर्चों के रिस्पेक्ट में हम आपको रिम्बर्समेंट देंगे, अदरवाइज तो वो क्या कह सकता है, कहेगा मेरे ऑफिस के 50 स्टाफ दिन भर आपके काम को देखते रहते थे और मेरे पास एक एक स्टाफ जो है वो सब 50,000 रुपए महीने की सैलरी वाले हैं और 50 स्टाफ वो दिन भर आपके काम को देखते रहते थे, पता चला पूरी पूरी सैलरी चार्ज कर दिया उसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि हमें कॉस्ट की रिम्बर्समेंट चाहिए तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, कहता है पहले आपके खर्चे डिफाइन कर देते हैं, आप ही हमें बताओ कि कौन कौन से खर्चे आपके हिसाब से लगेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, अदरवाइज जब रिम्बर्समेंट की बात आए तो ऐसा ना हो कि आप अनाप शनाप खर्चों हमसे रिम्बर्समेंट मांगने लग जाओ, तो इसीलिए डिफाइन कर दिया जाता है खर्चों को। सम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मे कंटेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बोथ, कहता है दैट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट विद एन एग्रीड मैक्सिमम प्राइस। कभी कभी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीजों का एक मिक्सअप टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेसिकली होता क्या है यहां पे हम बताएं आपको, ये दोनों का मिक्सचर कैसे हो जाता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, होता तो वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है इनिशियली वो होता तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ही है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर यही डिसाइड करता है कि हमको आप रिम्बर्समेंट कीजिएगा खर्चे की और साथ ही साथ क्या कीजिएगा
एक लमसम फी दे दीजिएगा या फिर कॉस्ट पे एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट दे दीजिएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उसके बाद कहता है जरा आप एक बार बताओ कि ज्यादा से ज्यादा तब भी मेरा खर्चा कितना आएगा। कहता है हमें लगता है कि आपका जो काम होगा वो खर्चे प्लस मेरा शेयर वगैरह मिला के 45 लाख से 50 लाख के बीच हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है एक कैप लगाओ यहाँ पे, कैप का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस, सीलिंग लगा दो एक कि इससे ज्यादा तो हम आपको नहीं देंगे। आपका अंत यही कहना है ना कि 45 लाख से 50 लाख होगा, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपका 60 लाख 70 लाख हो जाए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज के रिस्पेक्ट में चार्जेस। तो हम एक काम करते हैं पहले इस पे एक सीलिंग लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं 50 लाख रुपए का, यानी कि आपके जितने खर्चे होंगे वो पे करेंगे, आपको प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज भी देंगे कॉस्ट पे या फिर एक लमसम फी देंगे, लेकिन 50 लाख रुपए से ज्यादा किसी हाल में नहीं देंगे। मतलब मैक्सिमम सीलिंग किससे बना दी जाती है? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से। तो फिर से समझ लीजिए इन दोनों का मिक्सचर वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उस पर कैप प्राइस लगा दिया जाता है, एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दी जाती है थ्रू फिक्स प्राइस, इसीलिए हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं दिस इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों का मिक्सचर हो जाता है, ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है कि हम आपको 50 लाख रुपए से ज्यादा एक मैक्सिमम सीलिंग लगा देता है कि इससे ज्यादा तो नहीं देने वाले हैं, ठीक है, और इसीलिए ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट का मिक्सअप कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फॉर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? इनकम आती है दो फैक्टर से, क्या क्या? रेवेन्यू और खर्चे। रेवेन्यू में से आप खर्चे घटा दोगे तो आपको इनकम मिल जाएगी। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में। पहले इनकम दो फैक्टर से आती है, वन इज रेवेन्यू एंड द अदर इज एक्सपेंस। हम लोग रेवेन्यू के एस्पेक्ट को समझ रहे हैं। रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर की क्या होती है? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू प्लस वेरिएशन प्लस क्लेम प्लस इंसेंटिव प्लस प्राइस एस्केलेशन लेस इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी ने इनिशियली डिसाइड किया कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू होगी 50 लाख रुपए। कॉन्ट्रैक्टी ने एग्री किया हम आपको 50 लाख रुपए इस काम का पे करेंगे, और कॉन्ट्रैक्टर ने भी एग्री कर लिया ठीक है हम तैयार हैं 50 लाख रुपए में आपके लिए ये काम करेंगे। व्हाट इज दिस वेरिएशन नाउ? कभी कभी होता क्या है कि हमने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करा दिया, हमने बता दिया कि देखिए ये काम कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टर ने एग्री भी कर लिया ठीक है 50 लाख रुपए में ये काम कर देंगे, और बाद में हम वेरिएशन करने लग जाते हैं अपनी स्पेसिफिकेशन में। हमने इनिशियली उनसे कहा था कि आप सीमेंटेड फ्लोरिंग कीजिएगा, अब हम उनसे कह रहे हैं नहीं नहीं आप एक काम कीजिएगा 50% तो सीमेंटेड फ्लोरिंग कर दीजिएगा लेकिन 50% वुडन फ्लोरिंग कर दीजिएगा। हम आपसे 10 रूम बनवा रहे हैं 3 फ्लोर की बिल्डिंग में, 10 रूम में से 5 रूम तो आप सीमेंटेड फ्लोरिंग कर लीजिएगा लेकिन 5 रूम की हमें वुडन फ्लोरिंग चाहिए। अब हम वुडन फ्लोरिंग मांगेंगे तो वो सीमेंटेड फ्लोरिंग से कंपैरेटिवली कॉस्टली है, तो अब कॉन्ट्रैक्टर भी क्या करेगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू को बढ़ाएगा। तो वेरिएशन का मतलब होता है हम अपनी स्पेसिफिकेशन में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करने की वजह से वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू अपनी बढ़ा लेता है, ठीक है ये बात। फिर उसके बाद क्लेम्स एंड इंसेंटिव्स,
इन दोनों बातों को एक साथ देखते हैं, व्हाट इज दिस क्लेम एंड इंसेंटिव। इन दोनों ही चीजों से कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू बढ़ रही है। क्लेम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट में ये बात लिखता है कॉन्ट्रैक्टर को कि देखिए आप हर महीने मेरे काम को इवैल्यूएट करते जाइएगा और जितना परसेंटेज काम हो चुका हो उस पूरे परसेंटेज का एक सर्टेन परसेंटेज पेमेंट कर दीजिएगा। मतलब हर महीने आप आइएगा 15 तारीख को या महीने के आखिरी तारीख को और आके मेरा काम देखिएगा, जितना काम हो चुका हो उस काम का एक सर्टेन परसेंटेज हमको रिलीज भी करते जाइएगा। मतलब हम तो 10 लाख रुपए की बिल्डिंग बना रहे हैं, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग बना रहे हैं और ये बिल्डिंग तो कब कंप्लीट होगी, 3 साल में कंप्लीट होगी, तो हम 3 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठा आपसे थोड़ी ना लेंगे। हर महीने या हर 3 महीने पे आप मेरे पास आइएगा, देखिएगा जितना काम हो चुका हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज पेमेंट रिलीज करते जाइएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर ये पेमेंट समय पे नहीं देता है तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उससे क्लेम लेता है, कहता है आपको पिछले क्वार्टर की 15 तारीख को पेमेंट करना था, 3 महीना हो गया अभी तक आपने पिछले क्वार्टर का पेमेंट नहीं किया है, तो हम उस पर क्या करेंगे, 2 लाख रुपए की अब पेनाल्टी भी लगाएंगे। तो अब इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर की रेवेन्यू बढ़ जाती है। ये एएस किसके लिए पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्टी के लिए, दोनों के लिए? हाँ, ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट रिकॉग्निशन पीएल में कैसे होती है उसके अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी निजी जिंदगी से हमें कोई मतलब नहीं है। ना हम कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ना कॉन्ट्रैक्टी के बारे में जानना चाहते हैं, हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर अपने पीएल में प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करता है ये जानना है। ठीक है, ये रेवेन्यूज किसकी है, कॉन्ट्रैक्टर की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के पास रेवेन्यू कहां से आ रही है, एक तो इनिशियली जो डिसाइडेड प्राइस होता है वो, उसके बाद वेरिएशन की वजह से ये रेवेन्यू बढ़ सकती है। वेरिएशन मतलब हमने कहा था कि पहले सीमेंटेड फ्लोरिंग, बाद में कहा वुडन फ्लोरिंग, हमने पहले कहा था सीमेंटेड फ्लोरिंग, बाद में कहा हमने टाइल्स वाली फ्लोरिंग कीजिए, ये सब वेरिएशन करने की वजह से क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ सकती है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है, हमने ओरिजिनली कहा था 3 फ्लोर बनाइएगा, अब क्या कह रहे हैं 4 फ्लोर बनाइएगा। ठीक है, क्लेम, कॉन्ट्रैक्टर अपने पेमेंट्स वगैरह के रिस्पेक्ट में पहले से स्पेसिफिकेशन दे देता है कि आपको पेमेंट भी कब कब रिलीज करते जाना है। अगर कॉन्ट्रैक्टर उस टाइम को ध्यान में नहीं रखता है और समय समय पे पेमेंट नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उनसे क्लेम लेता है, एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेता है, वो होता है क्लेम। इंसेंटिव क्या चीज होती है, हमने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब ये बिल्डिंग बनानी है, उन्होंने कहा ठीक है बड़ी अच्छी बात है 50 लाख रुपए में बना देंगे, हमने कहा कि 2.5 साल में बना के दे दीजिएगा, उन्होंने कहा नहीं 3 साल लगेगा, हमने कहा नहीं नहीं हमको तो 2.5 साल में ही चाहिए, तो उन्होंने कहा किसी और से करा लो ये काम, तो हमने कहा नहीं कराना तो आप ही से, आप ही अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो, शहर के जाने माने कॉन्ट्रैक्टर हो, काम तो आप ही से कराएंगे, ठीक है लेकिन एक बात हम लोग एग्रीमेंट में लिख देते हैं कि अगर ये काम 2.5 साल में हो गया तो हम आपको 2 लाख रुपए की एडिशनल इंसेंटिव पे करेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 लाख रुपए में तो आप कह ही रहे हो कि हम 50 लाख रुपए में करेंगे और 3 साल में करेंगे, तो एग्रीमेंट में यही बात लिखते हैं हम लोग कि 50 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू होगी, 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाएगा। लेकिन बस एक एडिशनल लाइन वहां पे हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं कि अगर 2.5 साल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो कॉन्ट्रैक्टी अपनी स्वेच्छा से और क्या पे करेगा, 2 लाख रुपए का इंसेंटिव पे करेगा, तो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू बढ़ जाती है। प्राइस एस्केलेशन अभी अभी आपने सीखा ही कि प्राइस एस्केलेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपए में डिसाइड हुआ है और उसमें एस्केलेशन क्लॉज है, मटेरियल लीबर की कीमतें बढ़ गई हैं बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, तो प्राइस एस्केलेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। व्हाट इज दिस पेनाल्टी नाउ, पेनाल्टी का मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ी की है किसने, कॉन्ट्रैक्टर ने, कॉन्ट्रैक्टर को जैसा काम कहा गया था कॉन्ट्रैक्टर ने वैसा काम नहीं किया है, तो आप कुछ पेनाल्टी डिडक्ट कर लेते हो। ये पेनाल्टी कभी कभी लेट कंप्लीशन के रिस्पेक्ट में भी होती है, या फिर जैसा आपने काम स्पेसिफाई किया था काम बिल्कुल वैसा नहीं हुआ है उसके लिए आप क्या करते हो, पेनाल्टी काट लेते हो। हमने कहा था उनसे कि आप ये वाली टाइल्स लगाइएगा, ठीक है, हमने उन्हें कहा था ओरिजिनल कजारिया टाइल्स लगाइएगा, उन्होंने डुप्लीकेट कजारिया टाइल्स लगा ली और हमने ये बात पकड़ ली, हमने अब क्या किया, पेनाल्टी काट दी वहां पे। ठीक है, यही होता है पेनाल्टी। और कैसे कट जाती है, हमने कहा था उनसे कि देखो 2.5 साल में कंप्लीट करोगे तब तो आपको इंसेंटिव देंगे, लेकिन अगर 3 साल से एक भी दिन देर करोगे तो 2 लाख रुपए की आपसे पेनाल्टी भी काट लेंगे, पेनाल्टी इसलिए काट ली जाती है। तो ये लेट कंप्लीशन के लिए या फिर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर अगर काम नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, रेवेन्यू को रिड्यूस कर देता है। ठीक है ये बात। चलिए अब हम लोग को अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में AS 7 इससे रिलेटेड क्या बात कर रहा है, और यही मेन मुद्दे वाली बात है। ये सब तो थ्योरेटिकल बातें थी, अब मेन मुद्दे वाली अकाउंटिंग वाली बात AS 7 को क्या कहना है, देखिए क्या कहता है।
फॉर वन, वन का मतलब हम ये कहना चाहते हैं इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फॉर वन, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। इसके लिए क्या होना चाहिए? नो अनसर्टेनिटी। हम ये रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, रिकॉग्निशन, हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं, कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। किसके लिए? इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वेरिएशन से लेके देखिए प्राइस एस्केलेशन के लिए हमने लिखा है 2 to 5, इसने के लिए लिख रहे हैं देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। और फिर लिखे हैं फॉर सिक्स, छठवें के लिए देयर नीड टू बी ओनली पॉसिबिलिटी। इसके लिए सिर्फ पॉसिबिलिटी होनी चाहिए रिकॉग्निशन के लिए। इस बात को समझिए, अगर हम लोग ग्रामेटिकली अगर बात करें तो क्या कोई डिफरेंस होता है नो अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी के बीच में? क्या कोई अंतर दिख रहा है आपको? नो अनसर्टेनिटी कह लीजिए या फिर क्या लीजिए, सर्टेनिटी इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन ये सिर्फ ग्रामेटिकली आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इस दो वर्ड को अलग अलग आपके सामने स्टेट करेंगे तो आपको इसका मतलब भी अलग दिखाई देगा। चलिए हम दो लोगों से बात करते हैं, एक को बोलेंगे नो अनसर्टेनिटी, एक को बोलेंगे सर्टेनिटी, मीनिंग आप अपने से ड्रॉ कीजिए क्या कोई अंतर है इसमें कि नहीं। ठीक है, पहले से बात करते हैं। ठीक है, हम पहले पर्सन से बात कर रहे हैं, हमने उसे कुछ पैसे दिए हुए हैं और उसके लिए हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मिस्टर ए से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टर ए पैसा नहीं देगा। मिस्टर ए से हम के लिए हम कह रहे हैं, मिस्टर ए को हमने 10 लाख रुपए का माल दिया था और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टर ए पैसा नहीं देगा। ठीक है, मिस्टर बी को 5 लाख रुपए का माल दिया था और क्या बोल रहे हैं, देखिए मिस्टर बी पैसा दे देगा। इन दोनों बातों में अंतर लग रहा है? ऐसा मिस्टर ए को जब हमने 10 लाख रुपए का माल दिया तो हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टर ए पैसा नहीं देगा, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टर ए पैसा नहीं देगा। और जब मिस्टर बी को 5 लाख रुपए का माल दिए तो कह रहे मिस्टर बी पैसा दे देगा। क्या दिख रहा है आपको, क्या अंतर दिख रहा है दोनों में? जब हम नो अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं तो 100% कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? नहीं। कहां पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा लग रहा है, नो अनसर्टेनिटी में, सर्टेनिटी में? सर्टेनिटी में। यहां हम कह रहे हैं मिस्टर बी पैसा दे देगा और यहां कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टर ए पैसा नहीं देगा। बेसिकली ये लेस देन 100% सर्टेनिटी है और ये 100% सर्टेनिटी को डिनोट करता है। ठीक है, दिस इज 100% और ये हम कह सकते हैं दिस इज लेस देन 100%। इन दोनों बातों में अंतर होता है। देखिए आपसे कह रहा है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, आपने अगर 50 लाख रुपए की रेवेन्यू डिसाइड की है तो 50 लाख रुपए की रेवेन्यू आप मान सकते हो, आप उसे कंसीडर कर सकते हो अगर आपके पास नो अनसर्टेनिटी है। मतलब अगर हमने बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख लिया है कि 50 लाख रुपए की रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्टर को आएगी तो आप 50 लाख रुपए की रेवेन्यू को मान सकते हो, आप 50 लाख रुपए की रेवेन्यू को मान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कब? When there is no uncertainty, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टी पैसा नहीं देगा। लेकिन इन चीजों को, वेरिएशन, क्लेम इंसेंटिव और प्राइस एस्केलेशन को, आप अपनी रेवेन्यू तभी मानना जब आप 100% श्योर हो कि कॉन्ट्रैक्टी ये पैसा दे देगा। मतलब अगर आपने वेरिएशन किया है, आपने क्या किया, सीमेंट फ्लोरिंग की जगह वुडन फ्लोरिंग की है और कॉन्ट्रैक्टी ने कहा है चलिए हम 2 लाख रुपए और बढ़ा के इसका दे देंगे, तो अगर 100% श्योर है कॉन्ट्रैक्टर की हमें वो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, तब तो वो 50 लाख की जगह 52 लाख की अपनी रेवेन्यू मानेगा। अदरवाइज ये रेवेन्यू कितनी मानेगा, 50 लाख रुपए की। जिस दिन वो 2 लाख रुपए मिल जाएगा उस दिन उसे भले रेवेन्यू मान लेगा। मतलब हम रेवेन्यू अपनी कब मानेंगे, इस इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को आप रेवेन्यू तभी मान सकते हो जब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन वेरिएशन, क्लेम इंसेंटिव, प्राइस एस्केलेशन, इन सबको आप अपनी रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्टर अपनी रेवेन्यू तभी मानता है जब वो 100% श्योर होता है कि इसके रिस्पेक्ट में पैसा
मिल जाएगा, ठीक है ये बात। पेनाल्टी, पेनाल्टी की तो अगर एक पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर 3 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तो ऐसे केस में पेनाल्टी 2 लाख रुपए की पे करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर को दिखाई दे रहा है 99% तो उसको क्या लग रहा है, 99% चांसेस है कि 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, बस 1% उसको चांस लग रहा है, डाउट है कि हो सकता है 3 साल 4 दिन हो जाए, बस वो क्या करेगा इसको तो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा, यानी वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू कितनी मानने लग जाएगा, 50 लाख माइनस 2 लाख 48 लाख रुपए मानने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर को यह दिखाई देता है कि मेरी रेवेन्यू रिड्यूस हो सकती है तो रिड्यूस होने की बस एक पॉसिबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी का मतलब नियर टू 0% है बस, अरे इतना अंतर है कि ये एकदम 0% से लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बस पॉसिबिलिटी, बस एक रिमोट चांस भी दिखाई दे रहा है कि पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू को रिड्यूस करके मानिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि 50 लाख रुपए ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन हां हो सकता है 0.1% हो सकता है 2 लाख रुपए की पेनाल्टी कट जाए, तो रेवेन्यू कितनी मान के चलेंगे हम 48 लाख रुपए की, ठीक है। लेकिन इनके रिस्पेक्ट में आप रेवेन्यू तभी बढ़ाओगे जब आप 100% श्योर होगे, ठीक है। ये सब बात कब की हो रही है, ये सब बात तब हो रही है जब आपके पास पैसे नहीं आए हैं, अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तब तो पूरा रिकॉग्नाइज कर ही लेंगे, अब कैसी सर्टेनिटी या नो सर्टेनिटी की जरूरत है। ये सर्टेनिटी नो सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी की बात तब कब तक होती है जब तक कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, पैसा नहीं आया है या पैसा नहीं गया है, तब तक के लिए ये सारी बातें होती है। जिस दिन पैसा आ जाएगा आपके पास या फिर ये पेनाल्टी चली ही जाएगी तो फिर उस दिन हमें पॉसिबिलिटी या फिर सर्टेनिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी ये हम बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगी जब तक आपके पास पैसा नहीं आया है, कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा नहीं आया तब तक वो अपनी रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा ये देख रहे हैं, ठीक है ये बात। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि इनिशियली डिसाइडेड जो रेवेन्यू होता है, जो इनिशियली डिसाइडेड रेवेन्यू होता है उसे तो कॉन्ट्रैक्टर रिकॉग्नाइज कर ही लेता है, इनिशियली डिसाइडेड जो रेवेन्यू होता है उसे तो कॉन्ट्रैक्टर रिकॉग्नाइज कर ही लेता है। और इनफैक्ट पता है जितने भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन होते हैं, जितने भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन होते हैं, हम वो बात आपको बताने जा रहे हैं जो आज तक आप करते आते थे लेकिन आपको पता नहीं होता था। आप जितनी भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो पता है किस ग्राउंड पे करते हो, नो अनसर्टेनिटी के ग्राउंड पे। हम किसी को 10 लाख रुपए का माल बेचते हैं, सेल की एंट्री उसी दिन कर देते हैं जिस दिन सेल किए हैं या जिस दिन पैसा आता है डेटर से उस दिन एंट्री करते हैं सेल की भी, जिस दिन सेल किए हो उसी दिन कर देते हो सेल की एंट्री। पता है क्यों कर देते हो, 100% कॉन्फिडेंट होते हो क्या किसी को 10 लाख रुपए का माल बेचे हो तो 10 लाख रुपए आ जाएगा, नहीं, लेकिन फिर भी सेल की एंट्री कर देते हो कि नहीं, सेल रेवेन्यू है, सेल इज अ रेवेन्यू, ठीक है, आप सेल की एंट्री उसी दिन कर देते हो, क्यों कर देते हो, बिकॉज ऑफ नो अनसर्टेनिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा इसीलिए तो हम सेल की एंट्री करते हैं, ठीक है ये बात। तो जो आप सबसे बड़ी एंट्री अभी तक मारते आ रहे थे दैट वॉज सेल की एंट्री, और वो सेल की एंट्री क्यों होती थी, बिकॉज ऑफ दिस रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नो अनसर्टेनिटी। हमको जब भी ऐसा लगता है कि ये पैसा नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसा, ये पैसा नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपनी बुक्स में, ठीक है ये बात। चलिए आगे देखिएगा, ये तो हो गई बात रेवेन्यू की, अब एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, खर्चे क्या क्या होंगे। खर्चे होंगे मींस एक्सपेंसेस इंकर्ड एट साइट अलोंग विद अपोर्शनड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, साइट का खर्चा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उस साइट का खर्चा प्लस अपोर्शनड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अपोर्शनड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए हम एक कॉन्ट्रैक्टर है, मेरी एक ऑफिस है और मेरी 5 साइट पे काम चल रहा है, तो मेरे जितने ऑफिस में खर्चे लग रहे हैं वो खर्चे भी हम कहां एलोकेट करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट पे ही एलोकेट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे जितना खर्चा लग रहा है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है, और साथ ही साथ जितने भी खर्चे हेड ऑफिस में लग रहे हैं वो सारे खर्चे अपोर्शन किए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मींस एक्सपेंसेस इंकर्ड एट साइट अलोंग विद द अपोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड कंप्राइज कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में जितना खर्चा लगा है वो जोड़ दीजिए, प्लस कॉस्ट एट्रिब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल एंड कैन बी एलोकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है वो कॉस्ट जो एट्रिब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल को अंडरलाइन कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल खर्चे लगते हैं, मतलब हेड ऑफिस के खर्चे की बात कर रहा है, ठीक है,
इन जनरली जो खर्चे उनके पास लगते हैं कैन बी एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ऑफिस के खर्चे हैं, सेंट्रल ऑफिस के खर्चे हैं, वो खर्चे सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में एलोकेट किए जाते हैं। तीसरा, सच अदर कॉस्ट एज आर स्पेसिफिकली चार्जेबल अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है वो खर्चे जो स्पेसिफिकली चार्जेबल है अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या चीज होती है? जैसे मान लीजिए हमने तो क्या किया है, एक बिल्डर है फ्लैट बना के बेच रहा है, ठीक है, एक बिल्डर है फ्लैट बना के बेच रहा है, और वो फ्लैट कहां कहां बना रहा है, शहर में 5 जगह बना रहा है। देखिए एक यहां फ्लैट्स बन रहे हैं, यहां फ्लैट्स बन रहे हैं, यहां फ्लैट्स बन रहे हैं, यहां बन रहे हैं, और ये उसकी सेंट्रल ऑफिस है, ठीक है। अब ये फ्लैट्स में खर्चे किस किस तरीके से लगाएगा? इस पूरे फ्लैट्स के खर्चे, यहां के जो खर्चे होंगे वो होंगे, यहां के खर्चे, यहां के खर्चे, यहां के खर्चे, यहां के खर्चे, और यहां के खर्चे, यहीं के खर्चे, और लेकिन जो खर्चे यहां पे लग रहे हैं उन खर्चों को यहां, यहां, यहां और यहां बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, यहां सारे खर्चे जितने भी थे वो यहां के जोड़ी दिए गए, यहां के खर्चे यहां पे लाके ऐड कर दिया गया, और मान लीजिए यहां पे 20 फ्लैट बने हैं तो जितने भी खर्चे थे उनको 20 से अब डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये जो आया वो क्या आया, एक फ्लैट का खर्चा। अब उसके बाद उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरे जो फ्लैट आपने बना रखे हैं उसमें एसी की कनेक्शन भी करा दीजिए, ठीक है, एसी लगवा दीजिए, फिट करा दीजिए, क्योंकि आप बाद में, अभी तो क्या करोगे कि पेंट वेंट करा दोगे सारी चीजें, बाद में हम एसी फिट कराएंगे तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा काम हमें फिर तोड़फोड़ थोड़ी सी करनी पड़ती है एसी इंसर्ट कराने के लिए, तो वापस में प्रॉब्लम आएगी। एक आप काम करो कि एसी सारे फिट करा दीजिए, हम एसी के रिस्पेक्ट में अलग से चार्जेस दे देंगे, ठीक है। तो अब उस एक, मान लीजिए ये वाला पूरा खर्चा, ये वाला खर्चा जोड़ने के बाद 20 से डिवाइड करने के बाद एक पे खर्चा आ रहा है नियरली 35 लाख रुपए का, ठीक है। अब इसने कहा है कि उसमें 5 एसी और लगवा दीजिए, 5 रूम है इस फ्लैट में, 5ों में एसी लगवा दीजिए और उसके लिए हमें अलग से चार्जेस ले लीजिए। मान लीजिए उसके रिस्पेक्ट में जो भी चार्जेस आ रहा है एसी के रिस्पेक्ट में वो 2 लाख रुपए, फिटिंग प्लस एसी चार्जेस मिला के 2 लाख रुपए, तो कॉस्ट उस फ्लैट की कितनी कहलाएगी, 37 लाख रुपए, ये आपको बता रहा है। कह रहा है कोई एडिशनल खर्चे हैं तो वो भी आप इंसर्ट कर दीजिए। सच अदर कॉस्ट एज आर स्पेसिफिकली चार्जेबल अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से कोई और खर्चा अगर स्पेसिफिकली चार्जेबल है वहां पे तो उसे भी आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये बात फिर से समझ लीजिए इस बात को कि कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे हम कैसे जोड़ रहे हैं। एक बिल्डर है जो 5 जगह 4 जगह बिल्डिंग बना रहा है अपनी, एक एक बिल्डिंग में कई कई फ्लैट्स हैं, जैसे इस वाली बिल्डिंग में 20 फ्लैट्स हैं, तो उसने जितना इस साइट पे खर्चा किया है वो जोड़ दिया है और ऑफिस के खर्चे को जोड़ दिया है। अब वो एक फ्लैट का खर्चा कैसे निकालेगा, जितना इस बिल्डिंग में और यहां से खर्चे अपोर्शन किए गए उसकी जोड़ लगाएगा, 20 से डिवाइड करेगा तो एक फ्लैट का खर्चा आ गया। अब लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफिक कुछ खर्चा करने को कहा है, तो एक कस्टमर ने कहा था कि मेरे वाले फ्लैट में आप क्या कीजिएगा, एसी भी फिट करा दीजिएगा, एसी की फिटिंग और एसी की कॉस्ट मिला के 2 लाख रुपए होता है, तो उस पूरे उस फ्लैट का खर्चा कितना हो जाएगा, 37 लाख रुपए हो जाएगा। नो कैलकुलेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्यों कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू करंट ईयर में रिकॉग्नाइज की जाती है। जब ध्यान दीजिएगा, हमने जो रेवेन्यू की बात की आपसे, वो रेवेन्यू कितने पीरियड का रेवेन्यू है, हमने आपसे कहा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, वेरिएशन, क्लेम, इंसेंटिव, प्राइस एस्केलेशन, पेनाल्टी, ये रेवेन्यू कितने पीरियड की है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की, ये रेवेन्यू पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की रेवेन्यू को कंसिडर आप करंट ईयर में कर लोगे तो पूरा प्रॉफिट भी कब रिकॉग्नाइज हो जाएगा, करंट ईयर में ही, लेकिन हमें करंट ईयर में प्रॉफिट उतना ही रिकॉग्नाइज करना है जितना करंट ईयर का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जितना परसेंटेज काम, इनफैक्ट स्टैंडर्ड तो सीधे सीधे यही कहता है, कहता है जितना परसेंटेज काम हो गया है उतना आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे जितना परसेंटेज काम हो गया उतना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लीजिए, जितना परसेंटेज काम हो गया है उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए, और जितने अब तक आपके खर्चे लगे हैं वो घटा दीजिए, यही करंट ईयर का प्रॉफिट है। फिर से सुनिए AS7 क्या कहता है, AS7 कहता है जितना परसेंटेज काम हो गया है रेवेन्यू का उतना परसेंटेज रिकॉग्नाइज कर लीजिए। अब रेवेन्यू का उतना परसेंटेज कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मान लीजिए 40% काम हो गया है तो हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर जितना आएगा उस पर 40% लगा देंगे, ये मेरा क्या है, करंट ईयर का रेवेन्यू, और इसमें से जितना करंट ईयर में खर्चा लगा है उतना खर्चा हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट। देखिए लेकिन इन बातों को कंसीडर करते समय, ये टोटल लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है,
ये तो हम तभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे जब ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन इन सब की जोड़ कब लगाओगे? जब आप 100% श्योर होगे। और ये कब घटाओगे? जब एक रिमोट पॉसिबिलिटी भी है कि आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है तो आप इसे घटा दोगे। तो ये तो हो गई रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इस रेवेन्यू को अगर आपको करंट ईयर की रेवेन्यू बनानी है तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए विद स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के तीन तरीके, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के तीन तरीके देखिए क्या क्या, बाय कॉस्ट मेथड। स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का तरीका है कॉस्ट मेथड। ये कहता है कॉस्ट इंकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉस्ट इंकर्ड, इनफैक्ट ऐसे लिख लीजिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट मेथड, ये होता है कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाल लेते हो? जितना आपने खर्चा कर दिया है उतना हम मान लेते हैं कि काम भी कंप्लीट हो गया। जैसे टोटल एस्टिमेटेड खर्चा है मेरा बिल्डिंग बनाने का, वो 50 लाख रुपए वाली बिल्डिंग बनाने का टोटल एस्टिमेटेड खर्चा है 30 लाख रुपए का, और 30 लाख रुपए में से अगर मान लीजिए 21 लाख रुपए का खर्चा कर दिया गया, 30 लाख रुपए का खर्चा टोटल लगना चाहिए जिसमें से 21 लाख रुपए का खर्चा कर दिया गया है, तो कितना काम कंप्लीट हो गया? 70% काम कंप्लीट हो गया। ठीक है ये बात? तो जितना परसेंटेज हम खर्चा लगा चुके हैं उतना ही हम परसेंटेज काम को कंप्लीट मान लेते हैं। ये होता है कॉस्ट मेथड। और स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाला जा सकता है? दूसरा होता है लेबर आवर मेथड। लेबर आवर मेथड क्या कहता है? लेबर आवर इंकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड लेबर आवर। पूरी बिल्डिंग बनाने में 1 लाख घंटे लेबर के लगेंगे, पूरी बिल्डिंग बनाने में लेबर के 1 लाख घंटे लगेंगे, जिसमें से 50,000 घंटे लग चुके हैं लेबर के, तो हम कितना स्टेज ऑफ कंप्लीशन मान लिए? 50%। ठीक है, लेबर आवर मेथड ये कहता है जितना परसेंटेज लेबर आवर लग चुका है उतना परसेंटेज बिल्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक तो होता है कॉस्ट मेथड, दूसरा होता है लेबर आवर मेथड, और तीसरा होता है सर्वेयर मेथड। सर्वेयर मेथड सर्वेयर मेथड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टी वैल्यूअर्स वैल्यूएशन। कॉन्ट्रैक्टी वैल्यूअर को अपॉइंट करता है और उससे कहता है कि आप वैल्यूएशन कीजिए। और ये पता है वैल्यूएशन कैसे करता है? ये बताता है आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन बाय दिस फॉर्मूला, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के तीन मेथड अकॉर्डिंग टू AS7, एक कॉस्ट मेथड, दूसरा लेबर आवर मेथड एंड तीसरा सर्वेयर मेथड। सर्वेयर मेथड का मतलब कॉन्ट्रैक्टी अपना वैल्यूअर अपॉइंट करेगा और वो वैल्यूअर समय समय पे जाके बताएगा कि कितना परसेंटेज काम हो चुका है। और वो कैसे बताएगा? वो वर्क को सर्टिफाई करेगा कि ये काम कितने रुपए का है। देखिए कैसे होता है ये चीज, कॉन्ट्रैक्टी एक वैल्यूअर को अपॉइंट करता है, और ये वैल्यूअर भी कौन है? ये भी एक आर्किटेक्ट है, ये भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ही है, और इसको बताता है कि हमने जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है उसको क्या स्पेसिफिकेशन दी है। तो वही डिजाइन वो किसको भी हैंड ओवर करता है, इस वैल्यूअर को हैंड ओवर करता है। वो कहता है देखो हमने इतना काम करने को कहा है उसे, कॉन्ट्रैक्टर से हमने इतना काम करने को कहा है। अब वो कहता है कॉन्ट्रैक्टी अपने वैल्यूअर को कहता है जाओ और देखो कितने रुपए का काम हो गया है। इतने पूरे काम की कीमत है 50 लाख रुपए। तो अब हमें यह बताओ कि उसने तो अभी तक इतना काम किया है तो इस काम की कीमत कितनी है। तो कॉन्ट्रैक्टी का वैल्यूअर बताता है देखिए इसकी कीमत जो है, इतना काम जो हुआ है इसकी कीमत आप 20 लाख रुपए मान लीजिए हो गई है। तो अब ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाला जाएगा? कॉन्ट्रैक्टी के वैल्यूअर ने कहा 20 लाख रुपए का काम हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है?
50 लाख रुपए, तो ऐसे में 40% काम हो चुका है। ठीक है ये बात। चलिए एग्जाम में जब मेथड प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, मतलब प्रायोरिटी किसको दोगे? सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है सर्वेयर मेथड को। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको? सर्वेयर मेथड, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, ये है पहली प्रायोरिटी। कॉस्ट मेथड को हम देंगे सेकंड प्रायोरिटी, ये है सेकंड प्रायोरिटी, इसकी तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये है थर्ड प्रायोरिटी। पहले थोड़ा सा लिखिए, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे, नोट कीजिएगा। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट। अब इनफैक्ट हम सारी बातों को कंपाइल करके AS 7 को खत्म करने वाले हैं। प्रॉफिट रिकॉग्निशन होती कैसे है? सबसे पहले बात आती है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से हम घटाते हैं कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट, और फिर इसके बाद हम इसमें से घटाते हैं फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट इधर पॉजिटिव आ सकता है या फिर ये निगेटिव आ जाएगा। अगर ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट निगेटिव आ गया तो आप क्या करोगे? अगर ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट निगेटिव आ गया तो रिकॉग्नाइज एंटायर लॉस इन करंट ईयर पीएल इररिस्पेक्टिव ऑफ, पहला वेदर वर्क कमेंस्ड और नॉट, दूसरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा प्रॉफिट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये करेंगे, इसमें से घटाएंगे कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट, जो होता है प्रॉफिट टिल डेट लेस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन अर्लियर ईयर। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर।
ये अगर पॉजिटिव है तो क्या, ये अगर निगेटिव है तो क्या? पॉजिटिव है तो रिकॉग्नाइज एनपीएल, निगेटिव है तो इग्नोर। हो गया, चलिए देखिए। अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 3 साल पे पूरा होगा, ये पहला साल है, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 3 साल में पूरा होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा साल, और ये कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू 3 साल पे 30 लाख रुपए आने वाली है, ठीक है। लेकिन उसे जो अपने प्रॉफिट में रिकॉग्निशन देनी है, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है या लॉस रिकॉग्नाइज करना है, वो एनुअली करना है। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा तो अपने पीएल और बैलेंस शीट को 3 साल पे एक बार नहीं बनाएगा, वो हर साल एनुअली बनाएगा, ठीक है। उसे अपनी रेवेन्यू और इनफैक्ट खर्चे भी तो कब पता चलेंगे, जब 3 साल पूरा हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया हुआ है, 3 साल में 30 लाख रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू आएगी, तो खर्चे भी कब पता चलेंगे, जब 3 साल पूरा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो खर्चे पता चलेंगे। यानी खर्चा हमें 3 साल के बाद पता चलता है, और जो रेवेन्यू पता भी है वो 1 साल की नहीं पता है, वो भी 3 साल की पता है। तो देखिए, प्रॉफिट अगर हमें निकालना होता है तो उसके लिए 2 फैक्टर चाहिए, एक तो रेवेन्यू, दूसरा खर्चा। हमें प्रॉफिट निकालने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, वन इज रेवेन्यू एंड द अदर इज एक्सपेंस। यहां पे रेवेन्यू हमें पता है लेकिन 3 सालों की पता है, प्रॉफिट किसका चाहिए हमको, 1 साल का, और एक्सपेंस पता ही नहीं है, ठीक है। तो दो चीजें प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, हमें पहले साल का रेवेन्यू चाहिए, पहले साल का खर्चा चाहिए। रेवेन्यू हमें पता है लेकिन वो 3 साल की पता है, खर्चे हमें पहले साल के पता है, बाकी के ईयर के रिस्पेक्ट में खर्चे हमें पता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम रेवेन्यू को इतने पीरियड का बनाने की कोशिश करते हैं, हम रेवेन्यू को इतने पीरियड का बनाने की कोशिश करते हैं, और इतने पीरियड का क्या हमें खर्चा पता है, इतने पीरियड का खर्चा हमें पता है। हम पीएल और बैलेंस शीट कब कब बनाने वाले हैं, हम यहां पे एक बार पीएल बनाएंगे, एक बार यहां पे पीएल बनाएंगे, और एक बार यहां पे पीएल बनाएंगे। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लिया है तो क्या इसी दिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है, इस दिन तो जरूरत है नहीं, पहला साल जब ओवर होगा तब हमें पीएल बनाने की जरूरत है। और इस दिन हमें क्या पता है, हमें इस दिन का एक्सपेंस पता है, क्या हमें इतने दिन का रेवेन्यू पता है, नहीं, हमें इतने दिन का रेवेन्यू नहीं पता है। तो इसलिए हम रेवेन्यू कैसे कंप्यूट कर लेंगे, हम रेवेन्यू कंप्यूट कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, हम रेवेन्यू कंप्यूट कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 साल की रेवेन्यू पता चल जाएगी। क्या हमें एक्चुअल खर्चे पता है, एक्चुअल खर्चे पता है, हम उसमें से खर्चे घटा लेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि कभी कभी आपको हो सकता है कि करंट ईयर में प्रॉफिट दिखाई दे रहा हो लेकिन ओवरऑल आपको कॉन्ट्रैक्ट में घाटा हो रहा है। मतलब यह है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू कितने आने वाली है, 50 लाख रुपया, पता है हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट कितना खर्चा किया है इसमें, 10 लाख रुपया, और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है 60 लाख रुपया, यानी हमें 20 लाख रुपए का लॉस होने वाला है, ठीक है। हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट के लिए,
इतने पीरियड के प्रॉफिट के लिए, पहले साल के अंत में जब हम पीएल बना रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है वो नियरली 30% काम कर लिया है, हमने पहले साल में ही 30% काम कर लिया है। तो मेरी पहले साल की रेवेन्यू कितनी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर हम लगा देंगे तो मेरे पास रेवेन्यू कितनी आ गई, 15 लाख रुपया। इसमें से हम पहले साल का खर्चा हटा रहे हैं, कॉस्ट अभी तक जो लगाए हैं कॉस्ट टिल डेट, तो वो कितना दिखाई दे रहा है हमको, 10 लाख रुपया। पहले साल हमें क्या मिल रहा है, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब जरा ये बताइए क्या ऐसा हो सकता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल में हम 20 लाख का घाटा देंगे और पहले साल 5 लाख रुपया कमा ले रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम जब 3 साल में घाटा देंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में तो फायदा कैसे हो सकता है, हमको तो मालूम है ये कॉन्ट्रैक्ट लेके हमको तो 20 लाख रुपए का घाटा देना है, तो हम प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं करंट ईयर में। यानी इस प्रॉफिट की यूटिलिटी तब तक नहीं है जब तक कि आप ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कमा रहे हो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कमा ही नहीं रहे हो तो पहले साल फायदा या घाटा हो रहा है इस बात का कोई स्कोप ही नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले कमा रहे हो कि नहीं ये आपको चेक करना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट में हम कमा रहे हैं कि नहीं ये बात हमें पता चलती है एस्टिमेटेड प्रॉफिट से, मतलब हम ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे कितना पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या शुरू कर रहे हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है कि नहीं है ये देखना चाहते हैं। तो हम कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू लिखते हैं, ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं हम इसमें से कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, मतलब अभी तक जितना खर्चा लगा है वो घटा रहे हैं और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट घटा के एस्टिमेटेड प्रॉफिट देख रहे हैं। ये चीज हम कब कब देखेंगे, हर साल देखेंगे, हर साल ये चीज देखेंगे। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट जब हम पहले साल पे ये कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट का मतलब होगा पहले साल का खर्चा और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब होगा आने वाले 2 सालों का खर्चा। अगर कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट का मतलब है पहले साल का खर्चा और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब है पहले साल के बाद वाले 2 सालों का खर्चा, ठीक है। जब हम दूसरे साल पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू 50 लाख रुपए या 30 लाख रुपए जो भी हमने डिसाइड कर रखी है, फिर कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट दूसरे साल के अंत पे कंप्यूट करेंगे तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट का मतलब होगा 2 सालों का खर्चा और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब होगा दूसरे साल से लेकर तीसरे साल तक का खर्चा, ये हो जाएगा फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। इससे हमें मिलेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कंप्यूटेशन से आप कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल प्रॉफिट को जानते हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन ओवरऑल कमा के दे रहा है आपको तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में करंट ईयर में भी कमा रहे हो, अदरवाइज ओवरऑल अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है तो आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपकी कैलकुलेशन ऐसा रिफ्लेक्शन दे सकती है कि ओवरऑल आपको कॉन्ट्रैक्ट में घाटा हो रहा है लेकिन करंट ईयर में आपको फायदा दिखाई दे रहा है, जैसा अभी हमने आपको दिखाया कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में तो घाटा था लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंप्यूटेशन यही दिखा रहा है कि हमको करंट ईयर में फायदा हो रहा है। एक बार देखिएगा यहां पे, एक बार में पूरा दिखाइए, पूरा दिखाइए, देखिए हमें हर साल की प्रॉफिट यहां पे जानने के लिए, हमें इतने पीरियड का प्रॉफिट क्या है ये जानने के लिए ये बात जानना जरूरी है कि क्या हम इतने पूरे पीरियड में कमा रहे हैं कि नहीं। अगर हम इस पूरे पीरियड में नहीं कमा रहे हैं तो हम इस पीरियड में भी नहीं कमा रहे हैं, सीधी बात तो ये है कि हम इस पूरे पीरियड में कमा रहे हैं कि नहीं ये जानना है हमें। और ये हम कैसे जान रहे हैं, देखिए हम हर साल पूरे 3 सालों में कितना कमाएंगे ये जानना चाहते हैं। पहले साल हम जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहां पे निकालते हैं तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट का मतलब क्या होगा, इतने पीरियड का खर्चा, और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब जब यहां पे कैलकुलेशन हो रहा है तो ये खर्चा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितने पीरियड का आ गया, ये प्रॉफिट कितने पीरियड का आ गया, ये पूरे 3 साल के पीरियड का, 3 साल की आपने रेवेन्यू ली, इतना एक्चुअल खर्चा घटाया, इतना एस्टिमेटेड खर्चा घटाया, तो पूरे साल की प्रॉफिट आपको मिल गई। जब हम दूसरे साल के अंत पे यहां पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 साल की रेवेन्यू लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू 30 लाख रुपए, उसमें से कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट घटाते हैं, यहां पे जब हम करेंगे तो टिल डेट का मतलब कितना खर्चा, इतना खर्चा, और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब इतना खर्चा। तो आप ये बताइए जब आप दूसरे साल कंप्यूटेशन करते हो एस्टिमेटेड प्रॉफिट की तो वो कितने पीरियड का प्रॉफिट होता है, कितने पीरियड का प्रॉफिट है, पूरे 3 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप जब भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट कंप्यूट कर रहे हो, चाहे पहले साल के अंत पे चाहे दूसरे साल के अंत पे, हर बार जो आप कंप्यूटेशन कर रहे हो वो कंप्यूटेशन कैसी है, ओवरऑल प्रॉफिट की है, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में आपको कितना मिलेगा ये आप देख रहे हो, ठीक है।
अब अगर हम पहले साल में हमको ये दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल हम कुछ कमा रहे हैं, तो हम देखते हैं अच्छा पहले साल तक कितना कमा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल कुछ कमा रहे हैं तो पहले साल अब हम कितना कमा रहे हैं, पहले साल हम कितना कमा रहे हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। आप अपनी रेवेन्यू को क्या कर लीजिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40% काम हो गया है तो करंट ईयर का 40% रेवेन्यू मान लीजिए, 60% काम हो गया है तो करंट ईयर का 60% रेवेन्यू मान लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला वन, प्रायोरिटी वन क्या है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्या बन जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है इंटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्या बन गया वर्क सर्टिफाइड। इनफैक्ट अगर आप पहला फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन की जगह आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हो, वर्क सर्टिफाइड। जितना वर्क सर्टिफाइड है वही आपकी रेवेन्यू मान ली जाएगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कभी कभी हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन न हो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो ऐसे में हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर रहे होते हैं, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन पहले साल अगर 40% है, दूसरे साल 60% है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले साल हमने कहा कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन 40% है, ये इतना काम 40%, पहले साल हमने कहा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 40%, और दूसरे साल इतना काम और हो गया था, हमने कहा अब 60% हो गया, तो इसका क्या मतलब होता है, ये 60% जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो पुरानी वाली स्टेज ऑफ कंप्लीशन को मिला के है या उसको इग्नोर करते हुए है, उसको मिला के है। आर्किटेक्ट जाता है पहले दिन जाता है कहता है 5% काम हो गया, अगले दिन जाता है कहता है 12% काम हो गया, तो किसको मजा आ रहा है, अब तक की सारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कंपाइल करते हुए जा रहा है, ठीक है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन जब भी आप कंप्यूट करते हो तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन टिल डेट होती है हमेशा, ठीक है। इवन अदरवाइज भी आप दूसरे फॉर्मूले से बात कर लो, आप जब फॉर्मूला यूज करते हो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए कॉस्ट वाला, तो आप क्या कहते हो, कॉस्ट टिल डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट टिल डेट अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीशन स्टेज भी टिल डेट निकल गई आपकी, ठीक है। पहले साल जब हम कंप्लीशन स्टेज निकाल रहे हैं तो पहले साल तक का खर्चा लिए होंगे, दूसरे साल पे अगर आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाला है तो फिर क्या कर रहे हो, दो सालों का खर्चा ले रहे हो, ठीक है ये बात। यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जब भी आप कंप्यूट करते थे तो पहले साल के अंत पे कंप्यूट करो, दूसरे साल के अंत पे कंप्यूट करो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का होता था। अगर कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 साल का है तो पहले साल कंप्यूट करोगे तो भी ये पहले 3 साल का होगा, दूसरे साल कंप्यूट करोगे तो भी ये 3 साल का होगा, तीसरे साल कंप्यूट करोगे तो भी ये 3 सालों का होगा, 3 सालों का होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंट्री स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये जब आप पहले साल कंप्यूट करोगे तो पहले साल का होगा, अगर दूसरे साल कंप्यूट करोगे तो 2 सालों का होगा, तीसरे साल कंप्यूट कर दोगे तो 3 सालों का हो जाएगा। तीसरे साल स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो तीसरे साल स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी हो जाएगी, 100%। और आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में जब 100% मल्टीप्लाई करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाएगी सीधे सीधे 30 लाख रुपए की। तो ये रेवेन्यू कितने पीरियड की है, 3 सालों की है, तीसरे साल की नहीं है। यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो आप जब भी कंप्यूट करते हो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का आता है, लेकिन ये जिस दिन आप कंप्यूट करते हो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो उस दिन तक का आता है, ठीक है। हम पहले साल कंप्यूट करते हैं तो ये 1 साल का होता है, दूसरे साल के अंत पे कंप्यूट करते हैं तो 2 सालों का होता है, और तीसरे साल कंप्यूट करते हैं तो 3 सालों का होता है। ये बात समझ में आ रही है। इसमें से हमने घटाया कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट, हम खर्चा भी क्या घटा रहे हैं, टिल डेट घटा रहे हैं, यानी पहले साल घटा रहे हैं तो पहले साल का घटा रहे हैं, दूसरे साल के अंत पे घटा रहे हैं तो सिर्फ दूसरे साल का घटा रहे हैं नहीं, 2 सालों का घटा रहे हैं, ठीक है। और तीसरे साल के अंत पे घटा रहे हैं तो 3 सालों का घटा रहे हैं, ठीक है। तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के अंत पे जब भी आप ये कंप्यूटेशन कर रहे हो तो उस पीरियड तक का घटा रहे हो, तो आपको प्रॉफिट भी क्या मिल जाता है, प्रॉफिट टिल डेट। यानी पहले साल ये प्रॉफिट कहां का है, पहले साल तक का है, दूसरे साल ये प्रॉफिट टिल डेट का मतलब क्या है, 2 सालों का, और तीसरे साल ये क्या है, 3 सालों का। हमें हर साल की प्रॉफिट चाहिए तो हम इसी में से क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन अर्लियर ईयर घटा दे रहे हैं। पहले साल क्या प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन अर्लियर ईयर घटाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, पहले साल की कंप्यूटेशन बस यहीं पर बंद हो जाएगी, पहले साल की कंप्यूटेशन बस यहीं पर बंद हो जाएगी, कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन अर्लियर ईयर नहीं है। लेकिन दूसरे साल में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन अर्लियर ईयर घटाना पड़ेगा, ठीक है।
और तीसरे साल में क्या करेंगे हम, पहले साल का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज, दूसरे साल का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज घटा देंगे, तो तीसरे साल में कितनी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करनी है वो पता चल जाएगी। ठीक है ये बात। तो आप प्रॉफिट टिल डेट यहां पे कंप्यूट कर लेते हो, पहले तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है कि नहीं है, फिर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं वहां तक का प्रॉफिट कंप्यूट कर लेते हैं, और पुराने प्रॉफिट जितने भी हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में उतना एलिमिनेट करते जाते हैं, तो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट में उस पर्टिकुलर पीरियड में जो प्रॉफिट होता है वो पता चल जाता है। अगर ये प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा है तब तो हम इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन अगर ये निगेटिव आता है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर दे रहे हैं? हमें ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख रुपए का फायदा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख रुपए का फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन करंट ईयर वाली जब हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो हमें घाटा दिखाई दे रहा है 1 लाख रुपए का। जब बताइए कि ऐसा हो सकता है, 5 लाख रुपए हम कॉन्ट्रैक्ट में कमाने वाले हैं, पहले साल कुछ किए और घाटा हो गया, अरे घाटा कैसे हो सकता है, 3 साल में 5 लाख रुपए कमाना ही तो है, यानी 3 साल में हमको टुकड़े टुकड़े में क्या करना है, 5 लाख रुपए की प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करनी है, तो घाटा कैसा? तो अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है लेकिन आपकी करंट ईयर में लॉस दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, मतलब पीएल में कुछ भी रिकॉग्नाइज मत कीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में फायदा दिखे और करंट ईयर में घाटा हो जाए? पॉसिबल है? अभी तक जो आपको बताए वो उल्टी बात बता रहे थे। अभी तक हम आपको जो सिखा रहे थे वो क्या सिखा रहे थे? ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है। देखिए यहां पे क्या कर रहे थे, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है लेकिन करंट ईयर में आपको फायदा हो रहा है। अब हम उल्टी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में आपको फायदा है लेकिन करंट ईयर में घाटा है। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में फायदा, करंट ईयर में घाटा, हो सकता है? बिल्कुल। देखिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन एज 15%, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 15% है, तो जब बताइए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज होगी? 7.5 लाख रुपया। और 7.5 लाख रुपए की रेवेन्यू में से 10 लाख रुपए का खर्चा टिल डेट लग चुका है, 2.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। ओवरऑल आपको कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख रुपए का फायदा है लेकिन करंट ईयर में 2.5 लाख रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है, पीएल में क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? बताओ, पढ़ तो चुके सब, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट में ओवरऑल फायदा है तो करंट ईयर में लॉस कैसे हो सकता है? लॉस से कोई मतलब नहीं है, इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है ये बात। लेकिन अगर मान लीजिए हमें करंट ईयर में प्रॉफिट यहां पे अगर दिखाई दे रहा होता तो जितना प्रॉफिट दिखाई दे रहा होता हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेते। तो पहले साल जब हम प्रॉफिट बना रहे हैं तो मान लीजिए ये प्रॉफिट आ रहा है, पहले साल का प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख रुपया। अगले साल फिर ये कंप्यूटेशन करते हैं दूसरे साल और ये प्रॉफिट आता है 6 लाख रुपया, तो दूसरे साल कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? प्रॉफिट अगर दूसरे साल 6 लाख रुपए का आ रहा है इस कंप्यूटेशन से तो पता ही वो प्रॉफिट कौन सा होता है, 2 सालों का हो जाता है, तो पुराने साल का 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हम इसमें से लेस कर देते हैं और रिकॉग्नाइज कितना करते हैं? 2 लाख रुपए का। ठीक है, चलिए तीसरी बात देखिए। प्रॉफिट आ रहा है यहां पे, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख रुपया, ठीक है, और करंट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है आपका 6 लाख रुपया, पहले साल निकाल रहे हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 4 लाख और करंट ईयर का प्रॉफिट 6 लाख, ऐसा हो सकता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट 4 लाख दिख रहा है लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट 6 लाख दिख रहा है, ऐसा हो सकता है? कैलकुलेशन क्या ऐसा हो सकता है कि हो जाए? अरे बिल्कुल हो सकता है, दिखाएं आपको। देखिए ये 4 लाख करना है तो हमको क्या करना होगा, 30 लाख और यहां पे 16, 46, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट, और यहां पे 6 लाख चाहिए आपको, 16 यानी 22, 22 का मतलब होता है 44%, लो हो गया, 44% काम हो चुका है पहले साल, तो 50 लाख का 44% कितना होता है? 22 लाख रुपया। 22 लाख रुपए में से 16 लाख रुपए का अभी तक का खर्चा लगा है, कितना प्रॉफिट है? 6 लाख, देखो हो गया। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में 4 लाख ही कमाने वाले हैं लेकिन करंट ईयर में हमने कितना कमाया है? 6 लाख रुपया। ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? 44% काम में सिर्फ 16 लाख रुपए लगे हैं और आगे 56% काम में 30 लाख रुपए लग जाएंगे,
बिल्कुल हो सकता है। अरे मटेरियल लेबर की कीमतें कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, और हमको मालूम है कि बचे जो 56% काम है उसको करने में 30 लाख रुपए लग जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी तो हमको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में कितना दिखाई दे रहा है, 4 लाख रुपया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करें, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट करंट ईयर का, लेकिन ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 4 लाख रुपए का प्रॉफिट, हम 4 लाख रुपए का ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 4 लाख रुपए कमाने वाले हो तो क्या करंट ईयर में 6 लाख रुपए कमा सकते हो आप, नहीं कमा सकते, ठीक है। तो चलिए एक बात अब हमको लिखनी होगी, रिकॉग्नाइज इन पीएल जहां लिखे हैं यहीं पे एक स्टार बनाइए और इस बात को लिखिए, ये अमाउंट, ये वाला अमाउंट कभी भी इस वाले अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ये वाला अमाउंट आपके कैलकुलेशन में आ सकता है, लेकिन आप कभी भी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज जो करोगे पीएल में वो कभी भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं कर दोगे, बस यही हमको और ध्यान रखना है। तो स्टार के बाद यहीं पे लिख दीजिए, इट कैन नेवर बी मोर देन एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नाउ लेट अस टॉक ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड लॉस, मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट निगेटिव हो रहा है आपका। अगर आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में घाटा दिखाई दे रहा है, तो आप उस घाटे को तुरंत अपने पीएल में रिकॉग्नाइज कर लेते हो, वेदर वर्क कमेंस्ड और नॉट। हमने काम अगर शुरू नहीं भी किया है तो भी हम घाटे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अभी अभी मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया था, और कॉन्ट्रैक्ट आते ही हमको तुरंत पता चल गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमको 20 लाख रुपए का घाटा है। हमने कॉन्ट्रैक्ट अब ले कैसे लिया था और आते ही कैसे पता चल गया, हमने कॉन्ट्रैक्ट में खर्चे कुछ कम एस्टिमेट कर रखे थे। जब कॉन्ट्रैक्ट आया तो हमको मार्केट में बातें पता चली कि उस कॉन्ट्रैक्ट में पर्टिकुलरली कितना खर्चा लगना है, ठीक है। और फिर हमको अनुमान हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है ये तो हमने घाटे वाला काम कर दिया है, इसमें 20 लाख रुपए का घाटा है। अभी तो हम काम भी शुरू नहीं किए, और लेकिन जितना भी आपको घाटा अनुमानित दिखाई दे रहा है उस पूरे घाटे को हम पीएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 सालों का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ये 31 मार्च है पहले साल का, और पता है कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला है, उसी के एक दिन पहले 30 तारीख को ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये कॉन्ट्रैक्ट आप कब शुरू करने वाले हो, अगले साल मई में स्टार्ट करने वाले हो, और 30 मार्च को आपको ये बात पता चलती है, कॉन्ट्रैक्ट इसी दिन मिलता है, और इसी दिन पता चल जाता है कि 20 लाख रुपए का हमको तो इस कॉन्ट्रैक्ट में घाटा होने वाला है ओवरऑल, ठीक है। रेवेन्यू ले रहे हैं 50 लाख, और 70 लाख रुपए के खर्चे लगेंगे, 20 लाख रुपए के घाटे को कहां रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यहीं 31 मार्च को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बाकी कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू कब होगा, यहां शुरू होगा और यहां खत्म होगा, मतलब अगले 2 सालों में वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, लेकिन अगर आपने एग्जीक्यूट भी नहीं कर रखा है तो भी जैसे ही आपको लॉस के बारे में पता चलता है आप तुरंत जो पीएल बनाने वाले हो उसी पीएल में उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तो वेदर वर्क कमेंस्ड ऑन नॉट, दूसरी बात है स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए हमने काम शुरू कर दिया है, हमको यहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने काम शुरू कर दिया, करते जा रहे हैं, यहां पे जाके पता चला और इस समय हमने नियरली 40% 60% काम कर दिया है, पहले अभी अनुमान नहीं था कि हमको घाटा होने वाला है, लेकिन अब यहां जाके हमको पता चला अरे इसमें तो 20 लाख रुपए का घाटा होने वाला है, तो अब जैसे ही आप पीएल ये वाला बना रहे हो तुरंत आप क्या कीजिए, पूरा घाटा रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो काम आपने शुरू किया कि नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुरंत आप लॉस रिकॉग्नाइज करते हो। काम शुरू कर दिए हो तो कहां तक पहुंचे हो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, पूरा लॉस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में क्या फायदा है इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, यानी इस कॉन्ट्रैक्टर ने तो 40 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है 20 लाख रुपए का, लेकिन बाकी के 40 कॉन्ट्रैक्ट में फायदा है उसे 10-10 लाख रुपए का, लेकिन वो नेट प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज अपने पीएल में नहीं करेगा, वो इस लॉस को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेगा और बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है वो अलग से करेगा। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडिविजुअली लॉस एंड प्रॉफिट को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। मेरे पास 10 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम कमा रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट में घाटा है, तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, हर कॉन्ट्रैक्ट का घाटा भी आपको अलग से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है ये बात। तो देख लीजिए हमको क्या क्या करना पड़ता है प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने के लिए। सबसे पहले ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में ये अगर घाटा दिखाई दे रहा हो तो तुरंत पीएल में रिकॉग्नाइज कर देते हैं, अगर ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में फायदा दिखाई दे रहा हो तो करंट ईयर की प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। पहले साल ये प्रॉफिट कैसे निकलता है,
कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में स्टेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के तीन तरीके, जिसमें से तीसरा वाले प्रायोरिटी तो कभी काम में नहीं आती है, दो ही प्रायोरिटी आपको काम में आएंगी। पहली वाली प्रायोरिटी सर्वेयर मेथड है, दैट इज वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और दूसरा है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट अपॉन फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो इससे आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन करते हैं, माइनस करते हैं कॉस्ट टिल डेट, ठीक है। तो इससे आ जाता है आपको प्रॉफिट टिल डेट। तो पहले साल का तो यही प्रॉफिट है, प्रॉफिट टिल डेट का मतलब पहले साल का ही प्रॉफिट, लेकिन दूसरे साल के प्रॉफिट में क्या करते हैं, उसमें से पहले साल जितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं वो घटा देते हैं, और तीसरे साल में क्या करेंगे, पहले साल और दूसरे साल का प्रॉफिट जो रिकॉग्नाइज है वो घटा देंगे, तो हमें तीसरे साल का प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट चार साल का होता, चौथे साल का जो प्रॉफिट आता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट घटा के जो प्रॉफिट आता, वो प्रॉफिट टिल डेट होता, चार सालों का होता, तो उसमें से प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करते, पहले साल जो रिकॉग्नाइज किए, दूसरे साल जो रिकॉग्नाइज किए, तीसरे साल जो रिकॉग्नाइज किए वो घटा देते, तो चौथे साल जो प्रॉफिट हमें रिकॉग्नाइज करना है वो पता चल जाता, ठीक है। लेकिन जब भी आप प्रॉफिट करंट ईयर का रिकॉग्नाइज करोगे तो आप इस बात का ध्यान दोगे कि ओवरऑल प्रॉफिट से ज्यादा ना रिकॉग्नाइज हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही आपको फायदा 5 लाख रुपए का है तो करंट ईयर का फायदा कभी भी 5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। और एक बार आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट जितना फायदा रिकॉग्नाइज कर लिया है तो आगे कोई रिकॉग्निशन भी नहीं होगा, यानी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में ओवरऑल 4 लाख रुपए का फायदा है, करंट ईयर में आपको फायदा दिखाई दे दिया 6 लाख रुपए का, रिकॉग्नाइज कितना करेंगे 4 लाख, अगले साल फिर दिखाई दे रहा है आपको 1 लाख रुपए का फायदा, रिकॉग्नाइज करेंगे क्या, नहीं, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था जो पहले ही रिकॉग्नाइज हो चुका है, अब आप 1 रुपए का भी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। आप ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कंप्यूटेशन कब कब कर रहे हो, जब जब आपको करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है तब तब एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी कंप्यूट कर रहे हैं हम। पहले करंट ईयर का प्रॉफिट जानने से पहले हमेशा हमेशा क्या जानते रहेंगे, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में फायदा दिखाई दे रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि नहीं कि पहले साल हमें कॉन्ट्रैक्ट में ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में पहले साल फायदा दिखाई दे रहा हो लेकिन दूसरे साल घाटा दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल हो सकता है। पहले साल फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरी बड़ी कम थी, दूसरे साल गए तब पता चला कि नहीं अब खर्चे क्या लगेंगे, तो पहले साल हमें तो कॉन्ट्रैक्ट में फायदा दिखाई दे रहा था लेकिन दूसरे साल अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में घाटा दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही दूसरे साल हमें घाटा दिखाई देगा अब हम क्या करेंगे, पूरा घाटा पीएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है ये बात। तो आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस भी हर साल देखना है जब जब आपको करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस निकालना है।